नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी में। और गर्व एकेडमी में मैं आप सभी के लिए यूपी स्पेशल की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। और यूपी स्पेशल की इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहारों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 सेंसस 2011, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थानों के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख परियोजनाओं, नदियों के बारे में और उत्तर प्रदेश की सारी जितने भी जरूरी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सभी चीज़ों को इस सीरीज में शामिल किया जाएगा। और आप सभी से मेरा एक स्पेशल अनुरोध है कि अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता है, तो निश्चित तौर पर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें जिससे कि उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच सकें। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस सीरीज का आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख पहोशी पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख पहोशी पक्षी विहार और ये कन्नौज जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1988 ईस्वी में। कन्नौज जिला एक उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक जिला है और हाल में ही हुए लोकसभा चुनावों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक जिन्हें जीत दर्ज की है, जबकि अभी तक ये समाजवादी पार्टी का गढ़ था। और श्रीमती डिंपल यादव जी यहाँ की सांसद थीं पर अब सुब्रत पाठक हैं। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है और इसको एटा पक्षी विहार नाम से भी जानते हैं और एटा पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं और ये कहाँ है, एटा जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1990 ईस्वी में। कुछ और प्रमुख पक्षी विहार भी हैं, पक्षी विहार और इस साइड आप देखेंगे जनपद नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। जी हाँ, नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार और ये कहाँ पर है, उन्नाव जिले में है। और दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है और इसकी स्थापना सन 1984 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही, सन 1984 ईस्वी में। दूसरा समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली जिले में है। तीसरा विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार महोबा जिले में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जिले में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज। पटना पक्षी विहार एटा या एटा पक्षी विहार, ये एटा जिले में है। इसके अलावा समान पक्षी विहार मैनपुर जिले में है। और दोस्तों, इसके बाद ही आज का हमारा इस वीडियो का एक स्पेशल तथ्य, उत्तर प्रदेश के वन विभाग मंत्री का नाम है श्री दारा सिंह चौहान और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इसी वन विभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।